है ना, तो शायद ऐसे ही कुछ महसूस हो रहा होगा। मुझे बिल्कुल तो बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट अभी जस्ट इससे पहले मैं एक जूम मीटिंग पे थी, एक सेशन में थी, तो जी माफी चाहती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर नमन और धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और एक बोलने का अवसर देने के लिए बहुत ही शुक्रिया। कलाकार को और क्या चाहिए, सुनने वाले चाहिए और सुनने वाले को, देखने वाले को बोलने वाले चाहिए, है ना। तो मैंने कुछ कुछ लिख लिया है ताकि मैं भटक न जाऊं। मैं अपना जो एक परिचय जो है संक्षेप में देती हूँ। मैं, मेरी पैदाइश जो है वो मूलतः बेंगलोर शहर में है, बेंगलुरु शहर जो कहते हैं कर्नाटका में। मेरे पिताजी उड़ीसा के हैं, मेरे माता कर्नाटक के हैं, वो दोनों वहीं पर बस गए, तो मैं जन्मी बेंगलोर में, मेरी परवरिश जो है बेंगलोर में ही हुआ है। और मैं आज इस मौके पर अपने सारे टीचर्स को याद करती हूँ, अध्यापक गण जिनको लगा के, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मुझे मंच पर भेज दिया जाता था कि कहीं पर वेलकम स्पीच बोल दो, थैंक यू स्पीच बोल दो, है ना। तो और नाटक करने लगी, एक बार शेर बन गई तो एक बार बैगन बन गई, तो एक बार कृष्ण बन गई, एक बार अर्जुन बन गई, तो एक बार बलून मैन बन गई, बलून पकड़ के जो बलून बेचता है वो आदमी बन गया, गन बन गई थी मैं। और एक बार भीष्म पितामह बन गई थी, एक बार भीमसेन बन गई। तो बहुत सारी यादें हैं जो स्कूल के दिनों में मैंने अपने अंदर आवाहन कर चुकी थी, अनजाने में ही मेरे अंदर एक्टिंग का एक कीड़ा जो कहते हैं वो आ गया था। फिर जाके हाई स्कूल में भी मुझे बहुत ही अच्छे गुरुजन मिले, हर शुक्रवार शाम को 20 मिनट 15 मिनट आधा घंटे का कुछ कार्यक्रम आयोजन करने का एक मौका मिलता था। पूरे स्कूल में भाग के आप 10 मिनट का गाना गाओ, आप 3 मिनट का एक्टिंग करो, आप 5 मिनट का माइम करो, ये करते करते हो गया। और अंततः मैं पहुंच गई NMKRV महिला कॉलेज, जहां पर मैं, मेरी नींव जो है वो पड़ गई 94 में। मैं वहां दाखिल होके, वहां पर जो ड्रामा क्लब था बहुत ही उमदा था, और उस समय में अंतर कॉलेज का जो कॉम्पिटिशन होते थे बहुत उमदा थे, बहुत ही अद्भुत होते थे। जो ट्रेंड डायरेक्टर्स होते थे वो आके हमारे साथ रूबरू होके ट्रेनिंग देके, वर्कशॉप्स देके, फिर 94 से मैं सीरियस थिएटर करने लगी हूँ। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, मतलब पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं था। तो काफी साल मैं बेंगलोर शहर में ही काम करने लगी और अलग अलग संस्थाओं के साथ, ग्रुप्स के साथ, कॉलेजेस, स्कूल्स, ड्रामा टीचर बन गई, कहीं कॉस्ट्यूम कर लिया, कहीं एक्टिंग कर लिया, कहीं डायरेक्ट कर लिया, कहीं PRO। तब ऐसे नहीं होता था, ये टीवी व्हाट्सएप केबल कुछ नहीं होता था। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब फोटो छाप दो हमारा। तो ये सारे काम मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। मैं 6 महीने लगभग लंदन में रही और लाजवाब थिएटर देखने को मिल गया। ये तब तक मैंने कॉलेज लाइफ खत्म कर लिया था और मेरे रंग यात्रा जो है वो आरंभ हो चुकी थी। तो लंदन में जो मुझे तब एक पुख्ता उमदा ट्रेनिंग जो मिला वो अद्भुत था, वो अद्भुत था। और मुझे थिएटर करने का एक और मौका मिला जहां पर मैं और मजबूती के साथ थिएटर करूं। तो मैं वापस आई, टीवी फिल्म में एक्ट किया, सब कुछ किया। उसके बाद मुझे लगा, मैं कुछ कुछ काम करके पैसे भी कमाती थी थिएटर से, लेकिन मुझे लगा कि ये ट्रेनिंग क्या चीज होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तब जाके मैंने 2001 में मैंने नीनासम, एक नाट्य संस्था है कर्नाटका में, जिसको एक बहुत ही बड़े गुरुजन हमारे श्री केवी सुब्बन्ना जी ने इसको आरंभ किया था। उनको मैगसेसी अवार्ड भी मिला है, क्योंकि उन्होंने ये महत्व काम किया कि पूरे दुनिया को अपने शहर में, अपने गांव में प्रस्थान किया और एक उमदा रंग शाला आरंभ किया उन्होंने। आज तक चल रहा है और बहुत ही अच्छे लोग वहां से निकले। फिर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंची और 3 साल वहां पढ़ने के बाद मैं फिर रंगमंच की ही हो गई हूँ। और तब से आज तक काफी
काम किया है मैंने, और निर्देशन मेरा एक प्रिय काम है, और डिजाइन भी करती हूँ, लाइट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, वर्कशॉप्स बच्चों के साथ पढ़ाना, और रंगमंच का कोई भी काम जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा मैंने नाटक निर्देशन किया, ये सारा काम मेरे हिस्से में आता गया, और मैंने लगभग 20-25 नाटक डायरेक्ट किया है। ये मेरा संक्षेप एक विवरण है। अभी मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक निर्देशक होता है नाटक के लिए, लेकिन एक निर्देशक की क्या जरूरत है, या ये निर्देशक आया कहाँ से, ये हिस्ट्री कहाँ से आई, ये होता क्या था। एक चीज है कि एक नाटक जब होता है, एक मंच पर कलाकार और एक ऑडियंस में देखने को व्यक्ति चाहिए जो संप्रेषणीय है, जो बैठ के आपका प्रदर्शन देखना चाहता है। इनके बीच में तीसरी चीज है, वो एक कथानक, एक प्लॉट। तो मतलब कुछ तो चाहिए ना, नहीं तो वो गाना हो जाएगा, वो नृत्य हो जाएगा, वो डांस हो जाएगा, वो म्यूजिक हो जाएगा। लेकिन नाटक कैसे अलग होता है, या नाटक का विशेषता क्या है, नाटक में निर्देशक का क्या विशेषता है, हम सब जानते हैं। लेकिन मैं एक और बार इस इन सारी चीजों के ऊपर अमल करना चाहूंगी। और आप सबको मेरी ध्वनि पहुंच रही है ना? जी बिल्कुल, अच्छे से ध्वनि आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। एक सूक्ति है, काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्येषु नाटकम रम्यम मतलब हमारे पास साहित्य में अलग अलग प्रकार के तरीके दिखते हैं। आप कवियों का कविताओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्मॉल स्टोरीज आजकल आ गया है वो भी पढ़ते हैं, और लंबे लंबे नॉवेल्स पढ़ते हैं। लेकिन कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, और ये सुंदर यात्रा कहां तक पहुंचती है, नाटकांतम कवितम कहते हैं संस्कृत में, नाटकांतम कवितम मतलब वो जो साहित्य है वो सार्थक तब होता है जब वो नाटक के रूप में मंच पर पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये कहते हैं कि नाटक जो है आंखों के लिए कुछ आस्वादन पैदा हो, क्रिएट करना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं थिएटर इज अ विजुअल आर्ट, इट इज अ विजुअल आर्ट। तो आंखों के लिए काम होना चाहिए, दृश्यम और श्रव्यम, देखना और सुनना, ये दोनों जब बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही उम्दा हो जाता है, एक फीलिंग देता है ऑडियंस में, तब जाके नाटक जो है वो सार्थक होता है। अगर वो देखने में इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, पैदा नहीं हो रहा है, तो फिर वो रेडियो नाटक भी हो सकता है। आप सुन के ही बहुत खुशी के महसूस कर सकते हैं, दुख का महसूस कर सकते हैं। तो अगर सुनना ही काफी होता है तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, हम उसको रेडियो नाटक कहते हैं, रेडियो प्लेस कहते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन नाटक तब सफल होता है जब वो मंच पर एक वैभव तरीके से क्रिएट होके वो ऑडियंस को स्पेल बाउंड मतलब मंत्रमुग्ध कर देता है, उसको देखने के लिए मन करना, हम बाध्य करते हैं ऑडियंस को कि भाई सो मत जाना, इधर कुछ है। और ये बोलने की बात नहीं होनी चाहिए, हमारा नाटक इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग अपने आप देख ले, लोग अपने आप उसको देख ले, है ना जी। कालिदास कहते हैं शांतम कृतम चक्षुषम, शांतम कृतम चक्षुषम मतलब आंखों के लिए जब शांति मिलती है, सुख मिलती है, तब उसको नाटक कहा जाता है। सर्वभावै सर्वसारै
सर्व कर्म प्रवृत्ति भी नानावस्थारोपेतम नाटकम संविधेयते, मतलब हर भाव होना चाहिए, हर प्रकृति की चीज होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे नाट्य शास्त्र में, हम भारत के हैं तो हमारा मूल जो है वो नाट्य शास्त्र है, आप सब जानकार लोग हैं, तो 2000 साल पहले ये ग्रंथ जो है वो लिखा गया, उसमें 36 अध्याय है, उसमें 60,000 के जो वर्सेस कहते हैं, जो श्लोक है। तो हम सब संस्कृत नहीं जानते, उनको उसको जानने की जरूरत भी नहीं है या रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल हमें इतना ही समझना है कि उन्होंने जो कहा है और आज हम जो कर रहे हैं नाटक, या नाटक जो समझ रहे हैं हम, वो कुछ अलग नहीं है, वो दूर नहीं है, वो सेम ही। जैसे हमें पता है शेक्सपियर है ना, शेक्सपियर ने कहा ड्रामा होल्ड्स मिरर टू लाइफ, ये हैमलेट नाटक में ये एक सेंटेंस बोला है, ड्रामा होल्ड्स मिरर टू लाइफ, मतलब जीवन का जो प्रतिबिंब है, दर्पण जो है वो नाटक है। और नाट्य शास्त्र में भी कहा है, हर जगह पर बार बार में जब हम थोड़ा पढ़ते हैं, शोध करते हैं, हमें पता चलता है कि दुनिया के हर प्रकार के पुरुष के सुख के दुख के अवस्थाओं को नाटक में दिखाना जरूरी है। और जो क्रिया, जो कृति, जो मंच पर जो संभव जो घटित होता है, वो अगर किसी भी प्रकार के व्यक्ति के दुख सुख और सामाजिक दृष्टिकोण को रचाता है तो फिर वो नाटक हो जाता है। अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर है, तो उन्होंने कहा है प्लॉट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। उन्होंने भी 6 चीज कही है, प्लॉट, कैरेक्टर, म्यूजिक, रिदम, ऐसे करके 6 चीज उन्होंने बताई है। तो जब हम थोड़ा और पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अरिस्टोटल ग्रीक के जो सोच थे, और यवन मतलब इंडिया के जो यवन लोग जो ग्रीक के लोग है और भारतीय लोग जो थे उस जमाने में, तो उनके भी सोच विचार जो है वो समान ही थे। और एक सेकेंड, सॉरी एक फोन आ गया। तो अरिस्टोटल थे और ग्रीस में, जैसे हमारे इधर भास, कालिदास, शूद्र, ये सारे बहुत महासज्जन है जिन्होंने बड़े बड़े कृतियों को लिखा है, नाटक लिखा है, तो वैसे ही ग्रीस देश में सबसे पहले नाम लिया जाता है एस्किलिस, फिर सोफोक्लिस, फिर यूरिपिडिस। एस्किलिस का क्या खासियत थी, वो पूरे अपने नाटक में कोर्स के साथ एक कैरेक्टर होता था जब वो लिखते थे। फिर जब सोफोक्लिस आया, उन्होंने 2 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, बाद में 3 आए, फिर एरिस्टोफिनिस आए, फिर पहले ट्रेजेडी शुरू हुआ, फिर कॉमेडी शुरू हुआ। अब आप पूछोगे कि नाटक और निर्देशक के साथ इन सारी चीजों का संबंध क्या है। संबंध ये है कि बहुत पूर्व में आप समझिए कि जब नाटक की प्रक्रिया शुरू हुई होगी, तो तब तो ऐसे कोई टेलीविजन या रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम तो होता ही नहीं था, तब हमें तो पता भी नहीं है, तो हमें पता कैसे चला। तो हमें ये सारी चीजें जो है, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, विद्वान लोग जो है, उन्होंने रिसर्च किया है, पढ़ा है, समझा है, फिर उस आधार पर हम उन पर विश्वास करके, उन सारी चीजों को समझ के हम दोबारा जब रिविजिट करते हैं, रिलोकेट करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि भाई काफी पेंटिंग्स मिले हैं। जैसे ग्रीस में एक पेंटिंग मिला है लगभग 4th सेंचुरी में, तो वहां पर एक आदमी खड़ा है, हाथ में एक किताब है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, और हाथ में एक डंडा है दूसरे हाथ में, और एक डंडे से वो दिखा रहा है लोगों, एक्टर्स को। तो वो डायरेक्टर हो गया, वो डायरेक्टर था। फर्स्ट एक्टर को ग्रीस में कहते थे थेस्पिस, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो मूल प्रमुख आदमी जो लिखता था, वही आदमी बाकी लोगों को समझाता था। जैसे हम स्कूल कॉलेज में नहीं करते, एक लड़का एक लड़की कुछ कहानी लिख दिया और फिर उसको समझाने के लिए वो दूसरों के पास जाता है,
तो वो मेन हो जाता है। तो वैसे ही जो लिखते थे वही लीड करते थे, दूसरों को समझाते थे कि भाई ऐसे कीजिए, ऐसे होगा, वैसे होगा। और समय के साथ ये जगह भी बदली। पहले वो ग्रीस में जो पहाड़ के जो ढलान होते थे वहां पर बैठ के नाटक देखते थे लोग, तो जो लिखते थे वो भी अपने हिसाब से लिखते थे, फिर वार्तालाप होता था, विचार होती थी, तो फिर चीजें बदली। चीजें बदल के फिर उसके अनुसार लिखावट में बदलाव आई कि भाई नहीं, दो कैरेक्टर्स रखने से और भी अच्छा होगा, फिर तीन, फिर ज्यादा हुए, तो फिर कॉमेडी भी करने लगे। उसके अनुसार स्थल में भी, जगह में भी बदलाव आया। तो जो एक ढलान में बैठ के ऐसे ही एक गोलाकार में करते थे, फिर आगे पीछे साइड में स्ट्रक्चर्स खड़ा कर दिया, क्रिएट कर दिया, एक सेमी सर्कुलर शेप में लोग आने लगे, और फिर ऊपर मशीन आने लगे, ऊपर से मशीन आते थे इफेक्ट्स दिखाने के लिए। तो साइड विंग्स जो कहते हैं वो वहां से आ गया, ये प्रोसीनियम शब्द जो है वहां ग्रीक से ही आई है। तो ये सारे एक ग्रोथ दिखता है वहां पर। वैसे ही हमारे जो भारत के जो पूर्वज हैं, संस्कृत नाटक जो है वहां पर भी तीन प्रकार के स्टेज मिलते हैं, एक त्रिकोणाकार, एक चौकोर, एक रेक्टेंगुलर है, उसमें तीन तीन साइज के ऑडिटोरियम्स मिल जाते हैं। कैसा है, क्या है, ये सारे डिटेल्स नाट्य शास्त्र में मिल जाते हैं। तो ग्रीस में भी पेंटिंग्स मिले हैं जहां पर लोग रिहर्सल करते हुए दिखे हैं, और इधर तो नाट्य शास्त्र तो है ही। और नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, कहते हैं कि भरत मुनि ने लिखा है, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं ये पता चल जाता है कि भरत मुनि एक व्यक्ति नहीं रहा, वो शायद एक औदा या एक पोस्ट या एक 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 सम्मानजनक एक नाम, एक शब्द था शायद, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पूरे भारत की चीजें हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। उस समय पे जैसे जैसे नृत्य के अभ्यास होते थे, या फिर हर प्रकार की डिटेलिंग उसमें है, वाद्य यंत्र के बारे में है और बोलियों के बारे में है, नृत्य के हर प्रकार के नृत्य के बारे में है, और नृत्य के हस्त के मुद्राओं के बारे में है, चारी चलन कैसे हैं ये पता है। पहले चैप्टर में कहते हैं कि ये कहानी कैसे बनी, फिर बाद में पता चलता है कि वो ध्वज कैसे बना, फिर जो जैसे देव असुर जो है, कि देव असुर सारे लोग तो मतलब देर ऑल रिप्रेजेंटेशंस, और उस समाज में भी नाट्य शास्त्र लिखा ही गया कि समाज को सुधारने के लिए चारों वेदों से चीजों को उठा के निकाल के एक पंचम वेद तैयार किया गया। भले ही वो संस्कृत में था, उस जमाने में संस्कृत में बोलते थे तो संस्कृत में है, तो इसे घबराने की तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाद के जो जनरेशन के लोग आए, आज वो हर भाषा में उसके तर्जुमा हो गया है, अनुवाद हो गया है, हर भाषा में मिल जाएगा। आजकल तो हमारे शायद PDF भी मिल जाता है नाट्य शास्त्र का। तो समय और काल बहुत आगे बढ़ गया है, और अब तो समय के हिसाब से थोड़ा हट के बात करूं, कैसा हट के तो बहुत ही साफ तरीके से कोरोना से पूर्व कोरोना के उत्तर एक डिफरेंशिएशन हो गया है, और ये क्वारंटाइन इससे ये भी आया है, ये भी चला जाएगा। हमें बहुत ही पॉजिटिवली रखना है, और देखिए इससे एक अलग लेवल पे इंसान जूझ रहा है और कोशिश कर रहा है एक दूसरे से जुड़ने के लिए, भले ही इस छोटे मोबाइल फोन से, जबकि मेरे सामने कोई नहीं है और मुझे पता भी नहीं है मैं किससे बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं आपको सुनने वाले। तो थैंक्स टू क्वारंटाइन, और थैंक्स टू यू, और थैंक्स टू काशी गर्दी, थैंक्स टू एवरीवन। तो आगे बढ़ते हुए बात यही है कि एक समाज में बदलाव जब जरूरत होती है तब कलाओं की जरूरत हो जाती है, और शायद कलाकार बेकार नहीं है, कलाकार बहुत जरूरी अंश है इस समाज में, जो गाना गाता है, जो नृत्य करता है, जो अभिनय करता है, जो कथा बोलता है, भले ही वो मंदिर में बैठ के अपनी कुछ गाथाएं गा रहा है, तो हर कोई जो है बहुत ही जरूरी है समाज के लिए।
तो वो अलग ही एक चीज है। तो वापस आती हूँ मैं कि एक चीज है कि ये ग्रीक और हमारे जो संस्कृति है इसमें क्या सिमिलैरिटीज है। एक तो शोध करने पर पता चला कि ग्रीक नाटकों में भी अंग है, एक्ट्स जो कहते हैं ना, फिर उस अंग को सीन में डिवाइड कर दिया गया, तो लगभग 5 अंग तो होते ही थे। और फिर नाटक के अंत में सारे लोग चले जाते थे और एक कैरेक्टर जब, एक पात्र जब, एक किरदार जब मंच पर आता है तो उससे पहले एक और मंच पर जो किरदार है वो उसके बारे में कहता है। जैसे मेरे प्रवेश से पहले गीतांजलि जी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे कोई आने वाली है, ऐसे आएगी, तो फिर मैंने प्रवेश किया। तो ऐसे एक होता था, लेकिन आजकल वो हमने तोड़ दिया है। तो फिर इंटरल्यूड्स होते थे दोनों में, और फिर विदूषक होता था। और एक बहुत ही बढ़िया चीज ये है कि वहां पर वही 4th century BC में एक न्यू एटिक कॉमेडी करके आया, न्यू एटिक कॉमेडी एक शैली जो है वो निकल के आई ग्रीस में। तो उसमें माइम शब्द, माइम वहीं से निकल के आया है। तो भले ही वो मौका भी नहीं मौन है, अगर हम हमारे डांस को देखेंगे उसके अंदर के जो हाव भाव हम करते हैं वो भी एक तरह से, एक तरह का माइम है वो, जब हम भाषा इस्तेमाल नहीं करते, शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। और फिर वो एक शब्द है कि यवनिक का एक शब्द है, जो जवन जो है वो ग्रीक लोगों को कहते थे, और वो जो पर्दा लाते थे माइम के जो प्रकार था उसमें, तो इधर भी हम पर्दा इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो ये सारे सिमिलैरिटीज देख के उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ही है। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है, संस्कृत नाटक में एक नाटक जो है वो एक छोटा सा स्वरूप है, वो एक एक अंक का भी हो सकता है, 3 अंक का हो सकता है। तो इसके सारे विश्लेषण अलग है, समवकार, वीथि, प्रकरण, नाटक, ये सब अलग 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 है, एक ही नहीं है, जिसका बहुत मतलब हर रीति का कुछ डिसिप्लिन है, रूल्स है। इसीलिए नाट्य शास्त्र कभी कभी मुश्किल लग जाता है, लेकिन है नहीं। और मैं बार बार इन दो चीजों को रेफरेंस दे रही हूँ, कौन सी चीज, एक संस्कृत नाटक नाट्यशास्त्र वाला और ग्रीस का, क्योंकि ये ही दो हैं जो हमारे पास पुख्ता सबूत है, हमारे पास सबूत इन्हीं से है, इन्हीं का है। तो वहां पर चाइनीज में भी, चाइनीज सिविलाइजेशन में भी परफॉर्मेंसेस निकल के आया, काबुकी, नो, ये सब बहुत ही शास्त्रीय है, ये बहुत ही शास्त्रीय है वहां पर। लेकिन इससे ज्यादा हम इन दोनों पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इनके पास हमारे सारे ध्यान गया, और शायद किसी ने और कहीं हुआ होगा और किसी ने शोध किया नहीं होगा, क्या पता, है ना। लेकिन जो चीज है उसको ही समझ ले हम, वही बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। तो ये एक छोटा सा मैंने कंपैरिजन एक ये किया। तो कहने का तात्पर्य ये था कि सबसे पहले जो लिखता था वही वही जो है वो डायरेक्टर होता था। नाट्य शास्त्र में भी दो दो नाटक हुए थे, कहते हैं भरत मुनि ने लिखा और उसने अपने 100 पुत्रों को सिखाया और फिर नाटक हुए। नाटक में एक तो सारे जो अमृत मंथन वाली कहानी की प्रदर्शन हुई, और दूसरा एक एक असुर था, तो वो असुर दहन का नाटक हुआ। तो ये एक था अमृत मंथन और दूसरा था त्रिपुरा दहन, एक राक्षस है जो प्रांत ऐसे ही कुछ है। तो दो नाटक हुए वहां पर, और उसमें भी ऐसे आते हैं जो जब ये त्रिपुरा दहन करने कर रहे थे तो तब स्त्री की जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तब तो उनके पास कोई लेडीज थे ही नहीं, जेंट्स ही करते थे नाटक, हाँ आदमी ही थे, इनके तो 100 पुत्र थे
हमारे भरत मुनि के कहने को, है ना, तो कहने का मतलब ये था। फिर उन्होंने क्या कहा, किया कि फिर वो जाके अप्सराओं में से किसी एक को, मेन अप्सरा नहीं, कोई साइड में जो डांस करते हैं ना, उनको लेके आए और उनको मौका दिया करने के लिए, कैशी की वृत्ति कहते हैं वो, तो मतलब तो उसको करने के लिए एक लेडी को लेके आए। तो और इधर ग्रीस नाटक में भी कोई लेडीज नहीं होते थे, बहुत 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 आपको पता भी है, ग्रीस आपका डेमोक्रेसी भी आया और वहां पर सिटीजन्स जो है जी। अभी ये जो हमारा चल रहा है इसका समय खत्म हो रहा है, तो जैसे ही वीडियो कट जाए आप वापस से रिज्वाइन कर लीजिएगा। यस, आई कम बैक, आई कम बैक, प्लीज कंटिन्यू। तो ये हो रहा था एंड तो ग्रीस नाटक यहाँ पर ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी ग्रीस में, और ये बीच में मैं रुक गई घर तो और तो ग्रीस में डेमोक्रेसी के बारे में कह रहे हैं, तो वहां पर सिटीजन्स जो है, जो नागरिक जो है, वो हट्टे कट्टे जो दष्ट पुष्ट मर्द जो थे उन्हीं को सिटीजनशिप मिलता था, है ना, बाकी उनको सिटीजन